ये खेल समाचार। इस सप्ताह हुई नेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नेवी चैंपियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होने में अब कुछ देर बाकी है। इसे देखने के लिए लोग यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं। ये लीजिए, शंकर अपने प्रमोटर टोनी ब्रिगेंजा के साथ रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला है चैंपियन रघुराज के साथ, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं। ये बहनों भाइयों, वो देखिए, चले आ रहे हैं चैंपियन रघुराज। 15 राउंड्स के इस मुकाबले में हर राउंड 3 मिनट का होगा और हर राउंड के बाद 1 मिनट का होगा रेस्ट पीरियड। स्ट्रेट नॉकआउट न होने पर हार जीत का फैसला पॉइंट्स के बिना पर होगा। मिस्टर शंकर, मिस्टर रघुराज, फाइट में कोई फाउल नहीं होना चाहिए। अपने अपने ग्लव्स दिखाइए। गो फॉर हिम बॉय, गो फॉर हिम। याद रखो, कोने में नहीं जाना। God bless you, son. तो बहन और भाइयों, लीजिए, शुरू होता है पहला राउंड। शंकर ने अपने फन का जो नमूना पेश किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस राउंड में उन्होंने न सिर्फ रघु के बराबर पॉइंट्स लिए, बल्कि बॉक्सिंग की जिस टेक्निकल सूझबूझ का परिचय दिया है उन्होंने, वो सिर्फ अनुभवी और माहिर बॉक्सर में ही देखने को मिलती है। शंकर ने रघुराज का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अनुभवी मुक्केबाज होने के नाते रघु ने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन शंकर धर्मा जिस हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, उसने यहां सभी देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। शाबाश, सर दिखाओ,
the matter? You must move. Faster. कुछ स्ट्रेट पंचेस शंकर की बाई आंख पर लगे, जिनकी वजह से शंकर कुछ लड़खड़ा गए। शायद ठीक तरह से देख न पाने की वजह से शंकर के वार निशाने पर नहीं बैठे। इस तरह से बहनों भाइयों, रघु इस राउंड में शंकर पर हावी रहे और पॉइंट्स में शंकर से आगे निकल गए हैं। रघुराज, ये वक्त की ज्यादती है कि सिर्फ पॉइंट्स ज्यादा होने की वजह से रघुराज लगातार छठवीं बार ये चैंपियनशिप जीत गए हैं। मैं इसे शंकर धर्मा की बदकिस्मती कहूंगा कि वो मुकाबला जीतते जीतते हार गए।